तुम्हारी इन तुच्छी चालों से कुछ नहीं होने वाला कोहू। मुझे अपने कमरे में जगह देकर राजीव ने साबित कर दिया कि आज भी मेरी जगह उसके दिल में है। भले ही आज रात मैं इस कमरे में ना बिताऊं, लेकिन वो वक्त दूर नहीं जब इस कमरे की हर रात राजीव और रिया के नाम होगी। जो हकीकत में हमारा है वो हमारा ही रहेगा, चाहे वो पति हो या हमारा कमरा। खुला आंख से सपना देखने वाला भट से मुंह के बल गिरता है, इसलिए अभी भी समय है, होश में आ जाइए। राजीव के बारे में तो मैं कॉलेज के दिनों से ही होश में हूं। इनफैक्ट तुम अभी अभी कुछ महीने पहले उसके लाइफ में आए हो। तुम क्या जानो, पहले प्यार की कसम कभी नहीं जाती। हमें यकीन हो गया है कुकु कि तेरा प्यार ना रिया के सर के आगे हर क्या। छोड़ो मेरा हाथ, क्या कर रही हो तुम, क्या कर रही हो तुम, तू छोड़ो, कहाँ लेके जा रही हो। राजीव बाबू, राजीव बाबू। हाँ क्या हुआ, तुम दोनों ऐसे क्यों साथ में? बहुत गलत बात है। क्या गलत है? पहले इधर आइए आप। क्या हो गया? आप इनको कितना साल से जानते हैं? हमको कुछ महीना से। हाँ तो का हमारा परिचय कराए आप इनको, हम आपके क्या हैं, कौन हैं, और इस चंदेल परिवार में हमारा क्या पदवी है। अब इसमें परिचय कराने वाली कौन सी बात है, सब जानते हैं तुम कुहू हो। कुहू? अरे औपचारिक परिचय, जिसे औपचारिक पत्र होता है ना, वैसा अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं, फॉर्मल इंट्रोडक्शन। बस वही बता दीजिए, हमारा फॉर्मल इंट्रोडक्शन बता दीजिए ना। और नॉनसेंस। अरे रिया जी उकताइए मत, आपको नहीं मालूम हमारा राजीव बाबू का रिश्ता। राजीव बाबू इनको बता दीजिए ना कि हम कौन है आपके, प्लीज। क्यों कर रही हो तमाशा? तो बता के खत्म कर दीजिए ना तमाशा, प्लीज राजीव बाबू। ये कुहू है और ये हमारी पत्नी है। धर्म पत्नी कुहू राजीव चंदे। धर्म पत्नी पूछती है ना आप, धर्म माने जीने का सही राह। हम दोनों का हुए एक राह के हमराही। राजीव बाबू एक काम और कर दीजिए ना प्लीज। अब क्या? इनका भी वो फॉर्मल इंट्रोडक्शन। ये आपकी का लगती है, इस घर की का है? क्या बेकार की फजूल बातें कर रही हो कू। प्लीज राजीव बाबू, ये रिया है, ये हमारी दोस्त है और इस घर की मेहमान, जिसे तुम यहाँ लेकर आई हो। अब और बकवास नहीं सुनेंगे। राजीव बाबू की दोस्त। नहीं बाबू का बोले आपके बारे में बेफिजूल बकवास। इसलिए राजीव तुम्हारी बकवास सुन के यहाँ से चला गया, क्योंकि कुछ बातें ना बहुत पर्सनल निजी होती है, जो गैरों के सामने नहीं की जा सकती। मैं राजीव के लिए क्या हूँ
ये उनके यूं झट चले जाने से ही पता चल गया। बाकी इंतजार करो, वक्त सब कुछ साबित कर देगा। साबित तो हम करेंगे आपका असली चेहरा, असली नियत। ये जो खूबसूरत चेहरा है ना, इसके पीछे की बसुरती। कुहू, कुहू नाश्ता। एक बात अच्छी तरीके से सुन लीजिए। क्या हुआ? हुआ नहीं है, होने वाला है। हम कह देते, आपके और भाभी के बीच में हम किसी को नहीं देख सकते, और अगर ऐसा हुआ तो आपका और हमारा रिश्ता खत्म। ये क्या बकरा है तू? कैसी बातें कर रहा है? जानता नहीं हमको? पहले गुमान था कि हम आपको बहुत जानते, लेकिन कल रात को जो आपने किया, जो कुछ भी हुआ, उसके बाद नहीं लगता कि हम आपको जानते। ये तू ना जीव। पहचानने की बात छोड़ो, हम पूछते तुम हो कौन, समझते क्या हो तुम अपने आप, ये रह रहे कि अपने रिश्ते को ताक पे क्यों लगा देते हो? जो मिली उसके पीछे फिसल जाते हो। अरे कोई ईमानदार है क्या नहीं तुम्हारा? भवरे की तरह मंडराते फिर रहे हो उस रिया के पीछे। सच तो ये है, तुम कुहू के लायक ही नहीं हो। चिल्ला मत। कह क्यों नहीं देता कुहू से? तुम उन लोगों में से हो जो सिर्फ भारी खूबसूरती देखते हैं, मन की सुंदरता नहीं। तुम उन घटिया लोगों में से हो जो सिर्फ रूप देखते हैं, रूह नहीं। का आप हमारे राजीव बाबू को हमसे ज्यादा जानते हैं? पति हैं हमारे, हमसे बहुत ही प्यार करते हैं। हमको आपके फैसले पे पूरा विश्वास है, चाहे कोई कुछ कहे न कहे। आप रिया जी को उनके तलाक से पहले 3 रोज हमारे और आपके कमरे में रखना चाहते हैं ना? मंजूर है। भोलेनाथ, हमको अपने राजीव बाबू पर बहुत विश्वास है, और इसमें हम आपके साथ हैं। भाभी, एक बात समझ में नहीं आई, आपने दादा से ये क्यों कहा कि रिया के कमरे में रहने से आपको कोई तकलीफ नहीं? संजीव बाबू, आप बूझे नहीं। अगर हम ऐसा कहते कि हमको तकलीफ है जिसमें रिया जी का जीत होता, और यही तो वो चाहती है, जीत रिया जी के लिए ना, हम राजीव बाबू और वो जीत हार का विषय हो गए। वो हमसे राजीव बाबू को छीनना चाहती है, और हम उनको जीतने नहीं देंगे। कल की रात तो निकल गई, लेकिन बाकी की 2 रातें वो यहाँ इसी कमरे में सोएंगी, लेकिन उसी समय उनको उनकी हैसियत का पता चल जाए। बस संजीव बाबू, हमको आपका मदद चाहिए और कुछ नहीं। बहुत बढ़िया भाभी। अवधेश, क्या है ये सब? क्या तोड़फोड़ मचा रखी है? हिमाकत देखी तुमने उसकी? कैसे सरेआम पूरे परिवार के सामने तुम्हारे मुंह पर तमाचा चढ़ दिया उसने। जगह दिखा दी उसने तुमको तुम्हारी, कि क्या हो तुम उसके लिए। अब तो होश में आओ अवधेश। अवधेश,
बेटा हम माँ है तुम्हारी, ये परवा है, इसलिए कह रहे हैं अब तो गुरु का पूत उसका बुखार अपने सर से उतारो। कुछ छू के देख लीजिए, गुरु का बुखार कम है, उसकी पड़ गया है। शायद आप नहीं जानते कि रिया और राजीव बहुत जल्द एक होने वाले, गुहू को अपनी जिंदगी से बाहर करने वाले, क्योंकि ना गुहू ना राजीव ये दोनों अपनी छोटी जिंदगी और नहीं जी सकते। जिस चेहरे की सजा को वो पार तक नहीं कर पाया उसे और कितने दिन बर्दाश्त करेगा वो बेवकूफ। बढ़िया लग रहा है ना? बहुत ही बढ़िया लग रहा है। राजीव बाबू देखेंगे बहुत छक्के ही रह जाएंगे, अब वो भी देखते कहेंगे बहुत ही बढ़िया लग रहा है कुहू। और रिया जी तो देख के जल भून के खाक हो जाएंगी। बढ़िया ही दूसरों के घर में अपनी जगह बनाने की। राजीव बाबू देखिए कैसे हमने पूरा कमरा का नक्शा ही बदल दिए। आपको फोटो खिंचाना और लगाना अच्छा लगता है ना, इसीलिए तो हम इतना इतना आपका और हमारा फोटो लगाए हैं। अरे वाह सुपर्ब। राजीव तुम्हें याद है हमारा कमरा भी कुछ ऐसा ही हुआ करता था जो हम दोनों ने साथ में मिलके सजाया था। डू यू रिमेम्बर? हमारा सपना तो पूरा नहीं हुआ पर देखो तो तुम दोनों का सफर, दो हमराही दो हम सफर, हाउ क्यूट ब्यूटिफुल। ठीक अपने जैसे। ये चुहिया ऐसे काहे बोल रही है? इस कमरे को देखकर ना वो गुजरा हुआ वक्त, वो लम्हे, सब कुछ याद आ रहा है। वैसे हनीमून पे हो आए ना तुम दोनों, कहाँ गए थे? ओह हाउ सैड, नहीं गए? राजीव तुम्हें कोई फैमिली की प्लानिंग की है भी नहीं, आई मीन तुम्हें तो बच्चे इतने पसंद है। याद है हम सोचा करते थे कि अगर लड़का हुआ तो तुम्हारे तरह हैंडसम होगा और अगर लड़की हुई तो मेरे तरह हसीन होगी। ये बंद कीजिए बेकार का बात। अभी तक तुमने फैमिली के बारे में सोचा भी नहीं, कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है उस गुजरे हुए वक्त में और इस रिश्ते में प्रॉब्लम है। लगा तीर निशाने पे। और तुमको क्या जरूरत है ये सब करने की? गुजरे हुए वक्त का तमाशा क्यों बना रही हो तुम? और हमारा कमरा, हमारा वक्त,
राजीव, राजीव ये क्या कर रहे हो? राजीव छो, हमारे अतीत को जगाने की जरूरत की ना तुमने? आओ तुम्हें बताता हूँ उस अतीत का क्या मतलब है हमारी जिंदगी में। राजीव क्या बात है, राजीव, राजीव। जानती हो वो हमारा रिश्ता हमें क्या दिलाता है याद? जानती हो राजीता, उस रिश्ते ने हमको सिर्फ दर्द दिया है, दुख दिया है, हमारे जख्मों को हरा कर देता है। वो क्या कहा था तुम्हें, ये कमरा तुम्हें गुजरे हुए वक्त की याद दिलाता है ना? हाँ दिलाता है, लेकिन तुम्हें हमें सिर्फ दर्द देता है, दुख देता है, हमारे जख्मों को हरा करता है। और जानती हो आज हम क्या करेंगे? आज हम हमारे उस गुजरे हुए वक्त को जलाकर खाक कर देंगे। हमारी यादों को भस्म कर देंगे हम, और इस अतीत को ना हमेशा हमेशा के लिए मिटा देंगे। राजीव बाबू, राजीव बाबू याद है? नहीं राजीव बाबू नहीं। राजीव, अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? कमरे से बाहर आओ सब लोग, जल्दी बाहर आओ, जल्दी बाहर लेके आओ सब लोग, भानु बाहर आओ, सब बाहर चलो चलो। संजीव तुम सबको बाहर लेकर आओ, महाप्रवादी बाहर आओ। पागल हो गया राजीव? अरे थम जा, क्या हो गया तुझे, क्या कर रहा था ये? अतीत, हमारा अतीत जल के खाक हो चुका है बुआ जी, खाक हो चुका है। कैसी आग चल रही है इसके दिल में? राजीव तुम्हारे दिल में मेरे लिए ही शोले भड़क रहे हैं ना? वो अतीत जल के खाक हो गया, पर प्यार की वो लू आज भी चल रही है राजीव के मन में मेरे लिए। आपके प्यार का ख्याली आसियाना एक कमरा की तरह ना खाक हो गया है। अरे आर के गार्ड को बोलो आओ, मैं फायर ब्रिगेड को फोन करता हूँ। चाचू आग लग जाएगा, कुछ और करना होगा। बंसी, अरे पानी लेके आओ थोड़ा। हट जाओ तुम लोग, इधर आओ, आप लोग पीछे। अरे गार्ड्स, बाबा हम बुआ जी को लेके जाते हैं। चलो ये आज की नहीं, बहुत पुरानी आग है, जो तभी हुई थी आज भड़क गई है।
हमको तो ये आग नहीं दिख रही, हमको तो ये बूझता हुआ राख से उठता हुआ धुआं दिख रहा है। इसका माने बूझती है? इसका मतलब ये है कि राजीव के दिल में अभी भी रिया के प्यार की लौ सुलग रही। हमारा अंदाजा सही है ना देव बाबू? मुझे नहीं, ये मंजर तुम्हें समझना है कुहू, और मुझे तो लगता है कि इसे समझने के बाद तुम दुख और गिल्ट के मारे धरती में समा जाओगी। जैसे मैया सीता, माने हमारे राजी बाबू श्री राम जैसे हुए। प्रिया जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमको और राजी बाबू को श्री राम और सीता मैया का उपमा देने के लिए। वो श्री राम हुए और हम माता सीता, फिर आप क्या हुई? सुपर्णका, जो श्री राम पे मोहित हो गई और अपना नाक कटा ली। देख लीजिए रिया जी, अगर आप अपना ये हाल नहीं करवाना चाहते तो राजीव बाबू की जिंदगी से हट जाइए। मैंने ये दृष्टि का मतलब समझ ही गई होंगी आप।